भारी बारिश की संभावना है। बीते दो दिन से राजधानी दून में रुक रुक कर हो रही बारिश ने 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अधिकतम तापमान में भी 3 डिग्री कमी दर्ज की गई है। हरिद्वार जिले में सबसे अधिक 154.2 mm और सबसे कम अल्मोड़ा जिले में 2.6 mm बारिश हुई है। वहीं बारिश से शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। इनमें सैकड़ों लोग अपने ही घरों में कैद हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने इन घरों से 100 से अधिक लोगों को बाहर निकाला है। पुलिस का ये अभियान सुबह से लेकर शाम तक जारी रहा। कई जगहों पर SDRF की भी मदद ली गई। इन लोगों को स्थानीय आश्रय स्थलों में ठहराया गया है। और उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण पौड़ी गढ़वाल के कुंजौली बीरोखाल गांव में एक मकान ढह गया। तो विक्रम सिंह, IMD डायरेक्टर, उत्तराखंड हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका बुलेटिन में। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, इस वक्त क्या कुछ स्थिति है? रेड अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन कौन से ऐसे आपको लग रहा है ज्यादा इलाके हैं, क्षेत्र है जिन पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है? जी नमस्कार। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 12 तारीख तक के लिए हमने बोला ही था कि जो एक्टिविटी वो रहेगी, क्योंकि जो पश्चिम विक्षोभ और मॉनसून सिस्टम का जो इंटरेक्शन था हिमाचल के बाद, थोड़ा वो शिफ्ट होकर उत्तराखंड पे रहा है। हालांकि उतनी एक्टिविटी यहाँ नहीं है जितना कि जो है हिमाचल में रही है, लेकिन फिर भी अच्छी बारिश, हैवी, वेरी हैवी रेन्स हमको मिली है जगह जगह पे। अगर कल और आज की भी बात करें तो जो पास्ट 24 आवर्स है, और आज के लिए अगर जो वेदर की बात करें तो हालांकि थोड़ी एक्टिविटी अब कम होना शुरू हो जाएगी, लेकिन फिर भी जो भारी, बहुत भारी वर्षा की बात करें तो हमारे जो कुमाऊं रीजन के, लोअर कुमाऊं रीजन के जो डिस्ट्रिक्ट है, नैनीताल, चंपावत या उधम सिंह नगर, और इसी तरह पौड़ी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पे तो आज भी जो हैवी वेरी हैवी रेन हमारा रहने वाली है। तो वहाँ तो बिल्कुल लोगों को सतर्क रहना है, या जो लो लाइंग एरियाज में है, प्लेन्स में, तो उनको जो जल भराव की स्थिति बनेगी कहीं कहीं पर, तो उससे भी सावधान रहना है। पहाड़ों की बात करें तो वहाँ पे भी जो हैवी रेन्स है वो अभी भी मिली रही है, या देहरादून, टेहरी और हरिद्वार की बात करें तो आज भी यहाँ पर हैवी रेन्स वो मिलेगी। अंदर के डिस्ट्रिक्ट में भी एकातुका जगहों में बिल्कुल ये चीजें रहेंगी, चाहे उत्तरकाशी है, रुद्रप्रयाग आ गया, चमोली है। तो कहीं ना कहीं जो एक्टिविटी थोड़ी कम तो हुई है पीछे के, अगर आप 10 या 11 का देखेंगे उससे थोड़ी कम हो जाएगी, परंतु बहुत कमी नहीं आएगी, आज भी एक्टिविटी एट पार रहने वाली है। तो जो क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट आता है फिर वो भी चीज़ें एक देखने को रहती है। तो पहाड़ों में कहीं ना कहीं थोड़े रास्ते जो है जगह जगह बंद हो रहे हैं, तो जो भी यात्री हैं, आवागमन कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो बड़ा सावधानी रखें और प्रशासन के दिशा निर्देशों अनुसार ही जो है आगे बढ़ें। जो है जो लोग लो लाइंग एरियाज में, खासकर जो प्लेन्स वाले डिस्ट्रिक्ट हमारे हरिद्वार या यूएस नगर में, तो वहाँ पे जो जलभराव की स्थिति थोड़ा बनेगी, और अभी भी बहुत राहत नहीं है उसमें जो है, तो अभी 24 आवर्स में कहूँगा कि उनको और भी थोड़ा सावधान रहना है। तो इस तरह की स्थिति अभी है, हालांकि कल से जो है जो एक्टिविटी कम होनी शुरू हो जाएगी, थोड़ा राहत मिलेगी, और भी जो है जो रेनफॉल एक्टिविटी कल परसों वगैरह दो दिन बात करूँ मैं तो कम होगी, लेकिन हाँ ये कि 15 से आगे फिर से जो है जो एक्टिविटी बढ़ने वाली भी है 2-3 दिन के लिए। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर निर्देश भी दिया गया है कि सावधानी बरतें, स्कूल्स तो बंद ही हैं, ऐसे में किस तरह से आप देखते हैं कि जो खासकर जो इलाके हैं पहाड़ी इलाकों में सबसे ज्यादा हम तबाही इस वक्त देख रहे हैं भारी बारिश के चलते, उत्तराखंड में आप किस तरह से देखते हैं? क्या कोई ऐसी अभी भी जगह है जहाँ पर खास तौर पर अलर्ट जारी किया गया है, जहाँ पर हो सकता है कि कुछ टूरिस्ट फंसे हुए, पर्यटक फंसे हुए हों? नहीं, ऐसी तो अभी हमारे को ऐसा सूचना नहीं है कि इस तरह फंसे हैं कहीं पर, परंतु ये कि रोड तो जगह जगह बंद है और खोली भी जा रही है, प्रशासन ने काफी उसमें कार्रवाई कर रहा है। तो यही है कि अभी 24 आवर्स अगर मैं बात करूँ आज की खासकर, तो एक्टिविटी आज भी रहने वाली है ठीक ठाक, और रास्तों उसमें थोड़ा दिक्कत तो रहेगी, तो जो भी लोग आवागमन कर रहे हैं वो थोड़ा जो है सावधानी रखें और संयम रखें। तो ये चीज को आप देखते हुए चलेंगे थोड़ा, तो मैं समझता हूँ फिर जान माल के नुकसान से जो है वो बचा जा सकता है। सर, कब तक अनुमान है कि जो इतनी तेज ज्यादा बारिश हो रही है, एकदम रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है, उससे राहत मिलने के आसार कब तक आप जता सकते हैं? बिल्कुल, कल और परसों जैसे मैंने बोला जो एक्टिविटी काफी कम हो जाएगी, एकादो का हैवी रेन्स है कि कह सकते हैं आपकी देहरादून है या नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है, पौड़ी में है, हो सकती है, पर यह कि जो डिस्ट्रीब्यूशन काफी कम हो जाएगा हैवी रेन्स का, तो एकादो का जगह में रहने वाली है। हाँ, लाइट वाटर रेन तो कल परसों में भी रहेगी,
तो इस तरह के सिचुएशन में दो दिन आगे देख रहा हूँ कि जो एक्टिविटी है काफी कम होगी और थोड़ा राहत मिलेगी। लेकिन हाँ, अब ये कि जो है जो मॉनसून सिस्टम है 15-16 को और क्लोज है, ऊपर को शिफ्ट हो रहा है, तो उसकी वजह से तो ये कि फिर 15-16-17 में अगर देखें तो एक्टिविटी फिर से बढ़ेगी, तो उसमें तो हैवी रेंज फिर से आपको देखने को मिलेगी, पर दो दिन मैं कहूंगा बीच में भी 13-14 में उसमें राहत रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, डी न्यूज़ से बात करने के लिए। तो विक्रम जीत सिंह, IMD डायरेक्टर उत्तराखंड, जो बता रहे थे कि आज तो भारी बारिश का अलर्ट जारी है, लेकिन 14 और 15 को ऐसी उम्मीद की जा रही है।